42 साल पहले स्थापित हुई भिवाड़ी रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि वहां रखा कच्चा माल धू-धू कर जलने लगा और आसपास धुएं के बादल छा गए। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि अचानक से फैक्ट्री से काफी धुआं दिखने लगा। भिवाड़ी स्थित ओरियंट सिंटेक्स कंपनी की स्थापना करीब 42 वर्ष पहले हुई थी। कंपनी के अंदर धागा बनाने का कार्य किया जाता है, जिसे कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। बुधवार को धागा बनाने वाली कंपनी के कच्चे माल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि जिसके लगने से करीब 15 से 20 लाख के नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। आग लगने के बाद कंपनी में अफरा तफरी मच गई। मजदूरी कर रहे सभी मजदूरों को आग लगने वाली जगह से दूर हटाया गया। आनन फानन में रिको फायर स्टेशन, नगर परिषद फायर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर कंपनी की दमकल पहले से ही आग बुझाने का काम कर रही थी। मजदूरों की सहायता से आग से बचे कच्चे माल की गांठों को आग की लपटों से दूर किया जा रहा था। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिराम शर्मा ने बताया कि आग अज्ञात कारणों से करीब दोपहर 1:30 बजे लगी थी, जिसको कंपनी की दमकल के कर्मचारियों व मजदूरों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग जब फैलती नजर आई तो रिको फायर व नगर परिषद फायर व भिवाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। रिको के दमकल ने आकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग से कोई भी मजदूर हताहत नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री परिसर में स्थित कच्चा माल आग की चपेट में आ गया, जिसे करीब 20 लाख के नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गनीमत यह रही कि कंपनी के पास आग को काबू करने के सभी उपकरण मौजूद थे, जिससे कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग से नुकसान का आकलन अभी और भी बढ़ सकता है, जब तक टीम सर्वे न कर ले। इस बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है।